हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं प्रेम धुंडा संतरा, आज मेरे पास है ये देख लीजिए निकॉन D5700 कैमरो, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इस कैमरे के अंदर अपने डिजिटल स्टूडियो का नाम, का लोगो का नाम कैसे रखें। जैसे कि किसी भी आपने देखा होगा फ़ोटो की फाइल पर DSC लिखा होगा, तो उस पर हम अपना नाम कैसे लिखें, ताकि एक बार लिखने के बाद कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे तो या वीडियो क्लिप लेंगे तो उसमें अपना नाम आएगा। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपने देखा होगा कोई भी फ़ोटो आपको सेंड करता है तो उसके बाद उसका नाम दिखाई देगा, जैसे कि DSC लिखा होता है उस पर। जैसे अपने स्टूडियो का नाम है अहिमाता स्टूडियो, तो हम किस प्रकार से AMS स्टूडियो लोगो रख सकते हैं। जैसे हम अहिमाता का नाम AMS के रूप में लिख सकते हैं, तो आज हम उस फाइल के नाम की देखेंगे किस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि ये कैमरा ऑफ रहता है तो आपको कैमरे को ऑन कर लेना है। कैमरे को ऑन करने के बाद में सबसे नीचे वाला बटन, ये इन्फो वाला बटन को दबा दीजिए, और उसके बाद में आपको ये मेनू वाला बटन, मेनू वाले ऑप्शन स्विच पर क्लिक करके आपको दूसरे नंबर वाला, ये देख लीजिए, ये कैमरे के आइकन वाला दूसरे नंबर वाला, इस पर क्लिक कर लेना है। ये इधर से ये इनको ऊपर से तीसरे नंबर वाला ऑप्शन फाइल नेमिंग, इस पर क्लिक करना है। और ये देख लीजिए फाइल नेमिंग पर क्लिक करते ही ये देख लीजिए ये आ गया ई, ये को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमारा ऑप्शन है एम आता है, तो हम एम को ले लेते हैं, ये ले लिया एम। और तीसरा है एस लेना है हमको, तो हम एस को ले लेते हैं, ये ले लिया एस। तो ये हमारा हो गया, और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये हो गया, देख लीजिए AMS। तो हम कोई भी फ़ोटो है दूसरे को सेंड करेंगे तो उस पर नाम है वो AMS जाएगा, ताकि पता चलेगा कि ये किस स्टूडियो से फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।